बोलो और क्या डाउट है? 17th क्या नाम है? बाकी सबने किया है? हेलो, मुझे आप ऑनेस्टली बोलिए तो ही मुझे मालूम पड़ेगा। अभी देखो मैं एक एक को पूछ रहा हूँ तो एक एक जवाब दे रहा है। हेलो स्टूडेंट, आपको इतना रिक्वेस्ट क्यों करना पड़ता है मुझे? सर आई एम लेफ्ट टू। हेलो, क्या हुआ? बोलो बोलो बेटा, समझा नहीं। हेलो, सर मेरा बाकी है, कितना किया आपने? स्टार्टिंग के 5। क्यों 5 किया आपको? मैं तो आपको 1 वीक का टाइम दिया था, तो क्या इश्यू था आपको 1 वीक सर वो स्टेट लेवल और जेई दोनों साथ में अटेंड करते हो तो दोनों का हम लोग। तो काहे के लिए दोनों साथ में अटेंड करते हो? आप खाली जीडब्ल्यू अटेंड करोगे, सफिशियंट है। कैसे कैसे हैंडल करोगे आप? मेरा समझो 3 घंटा बैठते हो, उसका 2 घंटा बैठोगे, 5 घंटा, बाद में 1 महीने के बाद कॉलेज आएगा, कैसे अटेंड करोगे? क्यों आप लेकिन स्टेट लेवल क्यों बैठते हो, समझा नहीं मैं आपको, सर रीजन वो क्या? मैनेजमेंट ने बोला है। अच्छा, मैनेजमेंट, उनका कोई कारण होगा। ठीक, अच्छा कोई बात। अच्छा अब बताइए, और किसने होमवर्क नहीं किया है? हेलो सुनिए, बताइए, क्योंकि मैं आपसे मांगूंगा होमवर्क बेटा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हेलो, सर सर मैंने भी नहीं किया है। नाम बोलिए पहले अपना। ओ ओ, क्यों नहीं किया आपने, रीजन? सर मेरा भी सेम रीजन, मेरा भी होमवर्क करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स। अभी कैसे चलेगा? अब आपने होमवर्क वो नहीं किया तो आपको मालूम भी नहीं, आपको उस कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता कुछ मालूम भी नहीं, आगे कैसे बढ़ाते जाऊंगा मैं? हाँ, अब आप बताओ मुझे आगे कैसे बढ़ूंगा? रंग, यू हैव डाउट इन वन मोर क्वेश्चन, बट आई अंडरस्टूड ऑन द गूगल, सो ओके गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, दिस इज अ स्मार्ट मूवमेंट। रंग, मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद। आपको डाउट था, आपने गूगल में सर्च किया, आपको समझ में आ गया, और अगली बार भी डाउट आपने गूगल में सर्च किया आपको नहीं समझेगा तो आप मुझे पूछिए, ध्यान रखिए। हाँ, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, पूछने का। गुड, आई अप्रिशिएट। हाँ बोलो, बाकी लोग बोलो। हेलो, बाकी लोग बोलिए। चलो मुझे एक एक का नाम लेना पड़ेगा तभी आप मुझे आंसर करेंगे। चलिए, अनुज, आर्यन, आयुष, दिया, हर्षित, जैनम, जयोम, जिया, क्रिश, नो डाउट लवनीश, लेरोन, आर्य, मानसी, निखिल, आपने तो आंसर किया मुझे, ओम आपने बात किया। दूसरा अच्छा, आप ओम दूसरे, तो ओम दूसरा वाला। इसके बाद 1 मिनट, यश, तैतिल आपने बात किया, सौम्य बात किया, सयश, इसके बाद साइली, रुचित, रश्मि, रंग आपने बात किया, राजीव, प्रियांशु, बोलिए बाकी लोग बोलिए कि किसने होमवर्क नहीं किया तो मुझे बताइए। जयो बोल रहा है नो डाउट, आर्यन सर आपका होमवर्क नहीं हुआ है, तो आर्यन नहीं हुआ है होमवर्क तो कब होएगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो आपको करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। रुचित, नो डाउट, आर्यन, ठीक है, और बाकी लोग बोलिए बोलिए बाकी लोग। हेलो, बाकी सबने होमवर्क किया है? ठीक है, पक्का? चलो, तो आप लोगों को 17 और 34 सब में डाउट है, बराबर बोल रहा हूँ मैं? हेलो, रेस्पॉन्ड तो करो भाई। यस सर, 17 तो 34 सब में डाउट है। आइए मैं पहले 17 करता हूँ, बाद में 34। रंग, हाउ मच टाइम शुड वी टेक? रंग, नो नीड ऑफ एनी टेंशन ऑफ टाइमिंग, यू टेक एज मच टाइम यू वॉन्ट टू सॉल्व दी होमवर्क। हाँ, तो उसमें टेंशन मत लीजिए प्लीज। हाँ, हम इस साल टाइम की बात ही नहीं करेंगे, अगले साल से टाइम की बात करेंगे, पहले मुझे आपका कॉन्सेप्ट बताने का है। बाद में आपने जो बात की ना स्पीड की, स्पीड बाद में होती है, स्पीड कम्स इन अ डोमेन कॉल्ड फिनिशिंग।
फिनिशिंग कब होएगा? जब हम पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, यू आर द रॉ मटेरियल टू अस, हम पहले आपको कन्वर्ट करेंगे एक साल में प्रोडक्ट, बाद में फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिनिशिंग वर्क। डायरेक्टली हम लोग वी कांट गो फॉर फिनिशिंग वर्क, तो पहले इसलिए आपको एक सम को 2 घंटा लो, 4 घंटा लो, 5-10 घंटा सम क्लिक करोगे, ऐसा है। टाइम इज इन मटेरियल फिलहाल। चलिए मैं क्वेश्चंस देखता हूं स्ट्रेट लाइन के। आपने मुझे बताया क्वेश्चन नंबर 10, वेट अ मिनट, एक बार, ये क्या फ्री का एड भी चालू हो जाता है ना आजकल। अच्छा मुझे किसने बोला पहले 17, ओके 17 करते हैं। 17th वाला देखिए क्या लिखो, इफ ए कॉमा ए स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू एक्स ग्रेटर देन 0 and y is equal to 3x where also x greater than 0, then a belongs to. तो ये सबसे पहले डायग्राम, this is x axis, this is y axis, this is y is equal to x upon 2, this is similar to which equation, y is equal to mx, m मतलब स्लोप। तो ये लाइन का स्लोप हाफ है, ये लाइन का स्लोप 3 है, तो किसका स्लोप ज्यादा है? इसका। तो जिसका ज्यादा होता है उसका इंक्लिनेशन भी ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये अपना हो गया लाइन, ये कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू 3, ये y इज इक्वल टू x बाय 2, इसका स्लोप है हाफ, तो स्लोप कम तो इंक्लिनेशन भी कम, हेलो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। अब क्या बोला है, जो a कॉमा a स्क्वायर है ना वो इस एंगल के अंदर है, ये वाले एंगल के अंदर है। मान लो समझो एक रैंडम यहां पर a कॉमा a स्क्वायर, ये एंगल के अंदर है। अब कंडीशंस, अब लॉजिक यूज करते चलिए। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन हम लोग बात कर, ये पॉइंट किधर है देखते हैं, तो क्या करेंगे, चलो हम लोग ये रैंडम एक पॉइंट ले लेते हैं, ले सकते हैं कोई भी रैंडम पॉइंट 1, 1। अब इस लाइन का पहले इक्वेशन देखते हैं, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x अपॉन 2, मतलब ये लाइन की बात करो ब्राउन वाली लाइन की, x इज इक्वल टू 2y, मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब कॉमन सेंस देख, अगर समझो एक पॉइंट 1, 0 है, तो 1, 0 पे ये लाइन कैसे बिहेव करती है, तो चलो 1, 0 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर लाइन में, तो 1 - 2 × 0 कितना है, 2 × 0 तो कितना आंसर आया, 1, मतलब आंसर आया क्या पॉजिटिव, मतलब जो पॉइंट इधर है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉइंट इधर, हम जानते हैं डायग्राम के हिसाब से ये लाइन की उस तरफ है, जो पॉइंट इधर है उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो जो पॉइंट इधर होगा उसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। x माइनस 2y में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ये मैंने डाला a माइनस b स्क्वायर, नेगेटिव आना चाहिए, मतलब लेस देन 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते, चलो कुछ भी ले लेते रैंडम 0, देखते हैं ये पॉइंट का इस रेड लाइन से क्या बिहेवियर हो, y इज इक्वल टू 3x है, उसको समझते 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, 0, 3 ले लिया, तो 3 × 0, 0 - 3, आंसर इज -3, मतलब क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब जो पॉइंट इधर है विद रिस्पेक्ट टू रेड लाइन नेगेटिव आ रहा है, तो सीधी बात है इसके लिए पॉजिटिव आना चाहिए। इसको सब्स्टिट्यूट करते तो आ जाएगा 3a - a² > 0, इक्वेशन 2। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कॉमन सेंस इसको, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। चलो तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर दिया,
आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए कॉमन से। इसमें कॉमन क्या है, ए तो आ जाएगा वन माइनस टू, इसमें कॉमन क्या है ए तो आ जाएगा थ्री माइनस। अब ए इंटू ए स्क्वायर, वन माइनस टू ए ग्रेटर देन जीरो। अब देखो थोड़ा सा कॉमन से, आपने अभी अभी इन इक्वेशंस पढ़ा, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा है ना, क्योंकि ए तो जीरो तो हो नहीं सकता यहाँ पर, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप पॉजिटिव टर्म को यहाँ वहां लेके जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, चलो ए स्क्वायर को यहाँ पे ले लें, तो जीरो अपॉन पॉजिटिव टर्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन को भी साइन को कुछ फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव से। तो आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए स्क्वायर, व्हेन यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव टर्म नथिंग विल चेंज। चलो मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो जीरो अपॉन ए स्क्वायर जीरो ही आ जाओ। अब इसमें क्या करेंगे, चलो अब इसमें माइनस टू कॉमन ले लो, आपको मालूम है आपने इन इक्वेशन पर माइनस टू कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। देखो राइट है कि रॉन्ग है, माइनस टू इंटू ए माइनस टू ए माइनस टू इंटू माइनस आर वन बराबर, इसमें से भी हम लोग माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये ए माइनस थ्री बराबर। अब माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं। अब इस टू को नीचे लेके जाएंगे, बिफोर वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, डिवाइड बाय टू ऑन बोथ द साइड, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो अपॉन टू जीरो आ जाएगा। अब ये ए माइनस हाफ ए माइनस थ्री आपको याद आता है, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो इंटीजर लाइन पे हाफ आएगा, इसको करेंगे तो थ्री आएगा। अब जानते हो प्लस माइनस प्लस, ये सब जानते हो ना? यस सर। यस सर। यस। अब अपने को लेस देन जीरो चाहिए, मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू हाफ कॉमा दिस इज आंसर। चेक कर लो, देखो वही आंसर आ गया हाफ कॉमा। यस सर वही है। यस सर। समझ में आया? किसी ने सम किया था अपने आप ऑन योर ओन? बोलिए किसी ने किया था? सर सर आपने वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कैसे कंबाइन किया फॉर इक्वेशन को? कंबाइन मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, लॉजिकली किया, क्योंकि ये इन इक्वेशन है, अपन इक्वल टू वाला लॉजिक यूज मत करना, आप बोलो सर मैंने इसको इसको मल्टीप्लाई किया, नहीं लॉजिकली सोचो, ये नेगेटिव नंबर है yes, ये पॉजिटिव नंबर है yes, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव। ओके सर। इसमें लॉजिक यूज करो आप, है ना, क्या कर रहे हो, मैकेनिकल एलजेब्रा यूज कर रहे हो। अब बोलो सर ये मल्टीप्लाई कैसे करो, साइन साइन सेम नहीं, इन इक्वेशन में कभी भी इक्वल टू वाला लॉजिक यूज नहीं करने का, ये इन इक्वेशन है, ध्यान रख। ओके सर। अब इसके बाद चलते हम लोग 34। कॉपी करना है क्या आपको? हेलो कॉपी करना है? अरे रेस्पॉन्स दो भाई, कुछ बोलते नहीं क्या? नो सर। हाँ तो नो यस, कोई कोई तो इतने इतने बच्चे हैं, 30 बच्चे एक तो बोल सकता है नो यस, कुछ तो बोल सकता है। ठीक है चलिए 34 में क्या लिखा है, इफ अ वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एक्स अपॉन थ्री प्लस y upon 4 is equal to 1 and x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1, meet the coordinate and within the locus of midpoint. Sorry, ये मत करो, ये मेरे से गलती से हो गया है ना, अभी तक आपने दिया ही नहीं था वो। अच्छा नहीं दिया था? सॉरी नहीं दिया था। तो फिर क्यों किया आपने, लोकस तो मैंने सिखाया नहीं अभी तक आपको, लोकस सिखाना बाकी। एक मिनट लुचित रुक जाए, you want to record, wait, अब बोलो
और क्या डाउट था? कोई डाउट है तो नहीं तो मैं नया कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, बड़ो कॉन्सेप्ट पे आगे। अच्छा लास्ट टाइम मैंने एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट सिखाया। अच्छा मैंने आपको ना पीडीएफ भेजा, देखा आपको ग्रुप में, मैंने दोपहर में भी भेजा था पीडीएफ। यस सर। हाँ उसमें बहुत क्वेश्चन है, 150-200 क्वेश्चन है, बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है सर। बेसिक मतलब होता है जेई मेंस, एडवांस मतलब अपना आईआईटी। तो आप लोग ट्राई करना, ऐसा मत करना कि आपने एग्जाम किया नहीं ऐसा से पूछो, मालूम पड़ा 150 में से आपने ना 130 सम मेरे से पूछ रहे हो और खुश हो रहे हो सर कितने अच्छे हैं सारे सम बता दिए, लेकिन उससे ना आपका भला नहीं होएगा। ध्यान, आपको मैंने सम दिया, आपको मैं टाइम भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे अगले हफ्ते चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं। हम लोग उसमें से काउंटिंग कर लेते कितने अगले हफ्ते एक इस नंबर से इस नंबर तक सॉल्व करके लेते हैं, ठीक है? लेकिन आप अपना दिमाग फोड़ना, अपना दिमाग फोड़ना जितना हो सके, ये देखो वो बुक्स रिफर करो, ये बुक्स रिफर करो, एनसीईआरटी देखो, ये जाके देखो, वो जाके देखो, सब आप देखो। फिर आपको लगा अरे नहीं ये तो कॉन्सेप्ट सबने बताए नहीं, तो फिर आप मेरे से हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। क्योंकि देखो बेटा आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं जितना मैं आपको बताऊंगा ना कोई भी चीज सोल्यूशन समझ जाना, उसमें उतना आपका रैंकिंग नहीं आने, उतना आपका रैंकिंग नहीं आने वाला। हाँ कॉन्सेप्ट मैंने समझो कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया और वो कॉन्सेप्ट लगता है मैंने नहीं बताया, तो सीधी बात आप मेरे से पूछोगे। अगर आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और आप वहां पे दिमाग नहीं लगा पा और सारे सवाल मेरे से पूछो और आप खुश हो रहे हो समझ में आ रहा है बहुत मजा आ रहा है, लेकिन समझ जाना कोई सिलेक्शन नहीं, आपका सिलेक्शन इसी पे डिपेंड है कि आप अपना कितना दिमाग फोड़ते हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स। अब नहीं सर मुझे अपना दिमाग नहीं फोड़ने, तो भूल जाओ सिलेक्शन, भूल ही जाने का सिलेक्शन, एकदम फ्रैंक बात है। आप खुद लॉजिकली सोचिए, चाहिए तो आप ये जो मैंने बात करी अपने पेरेंट्स से बात करना कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो देखो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सबके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई अनपढ़ नहीं है, सबके पास पढ़े लिखे हैं, किसी के तो इंजीनियर्स भी होंगे पेरेंट्स, मैं जानता हूँ इंजीनियर्स डॉक्टर सीए लॉयर सब, तो पूछिए उनसे तो वो बोलेंगे हाँ सर बराबर, क्योंकि क्योंकि हर साल सम सुने नहीं आने वाले आपके, मैं थोड़ी बैठूंगा एग्जाम में आपकी बाजू में, बराबर? आपको हैबिट क्या है, आपको मैंने एक टाइप का सम सीखा वैसे ही टाइप का मैंने सम पूछ लिया, आप क्लिक कर लोगे, इसलिए कोशिश करना अपना जितना दिमाग फोड़ सकते हो। अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम एंगल बाइसेक्टर के बारे में आई थिंक सब कुछ जानकारी दे दी थी ना, हर कैटेगरी हर चीज सिखा दी थी मैंने, यस और नो? हेलो हेलो, यस सर। मुझे लगा मेरा मेरा बोलने से आप लोग नाराज हो गए, जवाब ही नहीं सर। मुझे लगा नाराज हो गए क्या सर, हम तो लगा सारे से माफ कर दोगे। चल अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, इमेज। आपको सिखाया मैंने आपको इमेज वाला कुछ सिखाया, कोई सम किया सर? हमने रिफ्लेक्टेड रे वाला सम किया, इमेज वाला नहीं किया। अच्छा इमेज वाला नहीं किया, आज इमेज वाला सम। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें इसमें एलिमेंट्री फिजिक्स भी लगता है, अपने स्कूल डेज का फिजिक्स भी काम आता है। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन में, आपको इसको ना पहले मैं बेसिक सिखाता हूं बाद में इसका शॉर्टकट भी। सपोज अगर आपको मैंने बोला कि ये एक लाइन है, लाइन मिरर, लाइन मिरर जिसका आपको इक्वेशन देखे रहना है, फाइव एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब मैंने बोला एक पॉइंट है अपने पास, मान लो पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट देखे रखा है अपने को 4, -30। अब ये जो ए है ना वो मिरर के सामने खड़ा है, अपन नॉर्मल प्लेन मिरर। अब
ये बोल रहे हैं कि जो इसका इमेज रहेगा, इमेज उसका कोऑर्डिनेट ढूंढने, इमेज रहेगा उसका कोऑर्डिनेट ढूंढने को। अब इसमें थोड़ा लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम रहेगा जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जितना आप आगे खड़े हो मिरर के सामने, इमेज उतना ही पीछे आएगा। यस और नो? यस सर। और yes, आप, अगर yes. आप यहाँ खड़े हो तो इमेज भी यहाँ आएगा, ऐसा तो नहीं है आप यहाँ खड़े हो तो इमेज यहाँ पर आएगा, नहीं, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मालूम है ये बेसिक प्रॉपर्टी? यस सर। तो अब क्या होएगा, मैं जानता हूं मेरा इमेज इसी लाइन पे आएगा तो मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है, बराबर। अब मान लो, मान लो ये अपना इमेज पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम है, तो इसका कोऑर्डिनेट का नाम चलो मैं दे देता हूं एक्स वन और वाई वन, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है ना, एक्स वन वाई वन या कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग फिलहाल, चलो नाम इसको एक्स वाई वन, एक्स एक्स से कंफ्यूजन हो जाएगा, एच कॉम आपके लिए, चलो एच कॉम, कोई बात नहीं। दूसरा, अगर यहां पर है ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहां पर आएगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर बोल रहा हूं ये? यस सर। दूसरा, जितना आप इमेज से आगे हो, और सॉरी ऑब्जेक्ट जितना यहां पर है उतना ही यहां पर रहेगा, मतलब दिस पॉइंट इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ ए बी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। यस सर। बस ये दो चीजें अपने को यूज कर दो। कैसे? हम जानते हैं n इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एग्री? यस सर। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सोचो, x प्लस 4 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन एंड k माइनस 13, बराबर k माइनस 13, यहां तक आपको समझ में। अब मैं ये भी जानता हूं जो ये m है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, यस, तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई मतलब इन प्लेस ऑफ x यू विल बी राइटिंग h प्लस 4 अपॉन 2, एंड इन प्लेस ऑफ y यू विल बी राइटिंग k माइनस 13 अपॉन 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 5h प्लस 8 अपॉन 2 प्लस k माइनस 13 अपॉन 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5h प्लस 8 प्लस k माइनस 13, 6 टू जेड 12 आ जाएगा अपॉन 2 और प्लस 8 आएगा, क्यों 5h और 20 आएगा ना, प्लस 20, अरे हाँ सॉरी सॉरी सही बोला, पता नहीं कैसे मैंने 8 लिख दिया दिमाग के लिए, 5 प्लस 20 किस का है, बराबर, बाकी सब बराबर लिखा है, यस, तो अभी हो जाएगा सेकंड लाइन में भी कर, हाँ क्या हुआ बोलो बेटा, थर्ड लाइन सर, 5 बाय 3 में भी कर पड़ा, हां हां सही, तो 5h प्लस 20 तो ये हो जाएगा 5h प्लस k, तो माइनस 13 प्लस 12 कितना होता है माइनस 1, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगा 5h प्लस k इज इक्वल टू माइनस 9, इक्वेशन नंबर 1, बराबर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे h और k में एक और इक्वेशन चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर वाला लॉजिक यूज करता हूं, स्लोप ऑफ दिस ब्लैक लाइन इनटू स्लोप ऑफ दिस रेड लाइन शुड बी इक्वल टू माइनस 1, यस सर, तो अब ब्लैक लाइन का स्लोप क्या है, माइनस 5 अपॉन फार्मूला 5 अपॉन 1, याद है ना ये फार्मूला, यस शॉर्टकट, यस सर, और रेड लाइन का आपके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन के माइनस ऑफ माइनस 13, तो के प्लस 13 अपॉन एच माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस एडजस्ट हो गया अपन दोनों का, अब 5 का मल्टीप्लाई पूरा हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 के प्लस 65 क्रॉस मल्टीप्लाई एच माइनस 4, है ना, अब सबको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 5 के प्लस 65 माइनस एच प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो कितना जाएगा माइनस एच प्लस 5 के, ये 69 है, तो माइनस 69 हो जाएगा, है ना, अब माइनस कर दूंगा, ए प्लस फोर, हेलो सर, सो माइनस एच प्लस 5 के
इज इक्वल टू माइनस 69। तो अगर इसको ऐसा भी रखना है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा रख सकते। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड वाले में, तो ये हो जाएगा माइनस 5h, 5 25। ओके, अभी 69 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, माइनस 70 टू 5 कितना 350, मतलब 345। अब ये वाला ऐड कर दो तो ये और एक कट हो जाएगा, 25 और एक मिला के 26, 26 ये दोनों ऐड कर सकते, मतलब माइनस हो जाएगा 345 प्लस 55, 65 और एक कम, मतलब 364। के का वैल्यू कितना है, माइनस 364 अपॉन 26, माइनस 364 अपॉन 26। चेक करते हैं कितना हो जाएगा, अभी 2 से करो, 2 से करो, 2 16 8। अब 13 में जाता है क्या, 13 फोर, तो k का वैल्यू कितना है, माइनस 14 है ना। अब k माइनस 14 इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं, इसमें तो इसमें अगर सब्सिट्यूट कर दिया k का वैल्यू तो आ जाएगा 5h माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 14, तो हो जाएगा माइनस 19 प्लस 14 मतलब 5, तो h का वैल्यू 1 आ गया। इमेज क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स इमेज इज 1, -4। बोलो समझ में आया, यस सर। सर माइनस 1 आएगा ना, हाँ सर माइनस 1 हमने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला दिया था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये डिस्कस किया मैंने, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, याद है ये, हेलो मैंने डिस्कस किया ना आप लोग के साथ, यस सर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, याद आया आपको, हेलो बोलो भाई, यस सर। यानी आपने जो आई थिंक जो मेरे से पूछ रहे था डाउट उसको याद आया, हाँ याद आ गया, याद आ गया। अब शॉर्टकट देते, शॉर्टकट मान लो ये एक लाइन, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, ये इमेज है सर, यह एक्स कॉमा वन, तो शॉर्टकट फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ऐड कर लेंगे, इसमें मगजमारी की जरूरत नहीं, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस साइन ए एक्स वन, मतलब इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देने का है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन, फिर क्या करने का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आंसर आ गया। चलो ये लॉजिक यूज करते हैं, फिर से बताओ फॉर्मूला, ये सामने x माइनस x1 अपॉन b, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस साइन, हाँ x1 y1 ये लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देने का, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओके। अब अपना लाइन क्या है देखो, 5x प्लस 5y, तो पहले लिख लेते, चलो 5x plus y plus 6 is equal to 0. अच्छा अपना पॉइंट क्या है, 4 comma minus 13, फाइंड क्या करने का है, x comma y, आ जाएगा x minus 4 upon a, a कितना 5, y minus 13, तो y minus minus plus 13 upon b, b कितना है, b मतलब y का coefficient 1,
इज इक्वल टू माइनस। क्या सिखाया फिर मैंने आपको, ये वाला कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5 × 4 = 20, y की जगह -13 + 6 अपॉन, हमने क्या सीखा फिर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। अभी सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, x - 4/5 = y + 13/1 = सॉल्व करो, 20 में से 13 गया कितना बचा, 7 + 6 = 13, ऊपर आ जाएगा -13, नीचे आ जाएगा 26, 13 × 1 = 13, 2 x - 4/5 = y + 13/1 = -1/2 बराबर। अभी सॉल्व करने के लिए जगह कहाँ ढूंढू, चलो यहाँ ढूंढ देखते क्या आ जाएगा फिर। अभी इसको और इसको कंपेयर करो तो x - 4/5 = -1, y + 13/1 = -1, सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, x - 8 = -5, -8 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 + 8, कुछ मिस्टेक किया है क्या, कुछ तो गड़बड़ किया है, रुक जाओ, अरे हाँ कुछ मिस्टेक हो गया, हेलो स्टूडेंट वैसे लिखते में मिस्टेक हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, हेलो स्टूडेंट फॉर्मूला में यहाँ पे 2 है, वही बोलो आंसर क्यों लिया, हेलो स्टूडेंट ना जब फॉर्मूला फिर से लिख लो, यहाँ पे 2 है, 2 मैंने आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला दिया, दोनों में एक 2 का फर्क है, तो यहाँ पे 2 है स्टूडेंट फॉर्मूला में, हाँ 2 है सर, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, आई थिंक यही गड़बड़ी होगी, सॉरी आई थिंक ये चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला में 2 है, आ जाएगा x - 4/5 = y + 13/1 = -2, देखो 20 × 13 = 7, 7 + 6 = 13, 13 / 26, तो 13 × 1 = -1 = -1 है ना, -y और इज इक्वल टू ये भी y + 13 = -1, अभी रख कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे x - 4 = -4 और y + 13 = -1 x = -5 + 4 - 1 y = -1 - 13 - 4, बोलो समझ में आया शॉर्टकट, यहाँ पे -2 है ना ये, हेलो सर सर कैन यू एक्सप्लेन द शॉर्टकट वंस अगेन, हाँ ये फॉर्मूला में -2 भी जोड़ देना, अब देखो क्या किया है, x - 4/a, ये मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट 5, y - -13, तो +13/b, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y 1 = -2, क्या करने का इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देने का, 5 × 4 y की जगह -13 + 6 अपॉन this square, मतलब this square, समझा अभी, हाँ सर सबको समझ में आया, हेलो समझ में यस सर, हाँ क्या वो बोलो कुछ पूछा, यस सर कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लो, कर रहे सर, सर बोलो
सर हमें मॉड्यूल मिल गई है तो अभी हम लोग को एनसीईआरटी लेवल और स्टेट लेवल की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उसमें से। सर अगर टू ना हो फॉर्मूला में तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब एम का पॉइंट मिलेगा ना। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा वही मेरे से मैं वो हम लोग दोनों फॉर्मूला बाहर करना इसलिए कर दो तो सर एम का पॉइंट मिलेगा ना उससे तो एम का पॉइंट। ओके सर चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे नया कॉन्सेप्ट करते कॉपी कर रहा है करो Now we are going for a shortcut formula for foot of the perpendicular from a point on the अब मैं इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला ही दे रहा हूं। सपोज एक लाइन है इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब अब एक पॉइंट है x1 y1 यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया। अब इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सपोज मान लो ये p है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज x कॉमा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज x कॉमा राइट। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फुट तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेम लाइक प्रीवियस फॉर्मूला सिर्फ टू निकाल देने का ना। हाँ
खाली टू निकाल दो। दोनों फॉर्मूला में जरा सा चेंजेस है। आइए मैं इसके बेसिक सम देता हूँ आपको, अपना टेक सम देता हूँ। Just wait a minute. हेलो सर, ये फॉर्मूला हमें क्या कहाँ यूज करना है? अगर आपको ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, इसको फुट बोलते हैं ना, आपने परपेंडिकुलर बनाया और आपको ये जो पैर है उसका फुट, उसके कोऑर्डिनेट। ओके फाइन सर। चलिए मैं आपको एक इक्वेशन दे, मान लो एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है जहां से मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं -2, 1। अब मैंने पूछा कि ये जो फुट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब मैंने आपको x1 दे दिया, y1 दे दिया, कौन है -2, 1। मैंने आपको a दे दिया, b दे दिया, a क्या है 3, b क्या है -1। अब ये फॉर्मूला यूज करो और मुझे फटाफट बताओ व्हाट इज द फुट ऑफ दी। समझ में आया? Yes, sir. तो चलो बताओ फटाफट। बोलिए क्या आंसर आया है? समर -5, 4 और निखिल 1, 2। अलग अलग आंसर आ रहा है, देखते हैं। नवनीश 1, 2। ओके चेक कर लेते हैं। x - x+2 कौन 3। ओके समर इज इक्वल टू वाई -3। अभी कितना है -3 मल्टीप्लाई करो 3 × 1 -2 - 6 - 3 - 2 ऑन दिस स्क्वायर 9 प्लस दिस स्क्वायर तो x+2 / 3 y - 3 / -9 कितना हो जाएगा -6 - 9 - 10 - 10 - 2 x+2 / 3 = y - 3 - 1 शॉर्टकट हो जाएगा बराबर। हेलो समझा y is equal to 2। प्रियांशु 5, 3 है 1, 2 सर सर मिस्टेक हो गया था। ठीक है कॉपी हो गया, आगे बढ़ू? यस सर। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट फैमिली ऑफ स्टेटमेंट्स। अ फैमिली का मतलब क्या? सपोज
अपने पास एक लाइन L1, इसका इक्वेशन है सपोज b1x plus b1y plus c1 is equal to zero. अपने पास एक दूसरा इक्वेशन है लाइन L2 जो है a2x b2y plus c2 is equal to zero. दोनों इंटरसेक्ट. अब लॉजिकली सोचेंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप कितना लाइन पास कर सकते, बोलो. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट राइट. इनफाइनाइट. अब क्योंकि ये दो लाइंस है और यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ रही है तभी हमने इसका नाम रखा है फैमिली. फैमिली का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अकेले अपने घर में रहता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, बोल सकता हूँ? नो. हाँ, और कभी मैंने बोल दिया तो आप लोग तो डर जाओगे, अरे पता नहीं सर किसके साथ रहते, घर में तो कोई नहीं है फिर भी बोलते फैमिली, है ना, डर जाओगे आप, भूत होएगा. हाँ तो चलो जल्द शुरू. तो अगर दो से ज्यादा है उसको फैमिली बोलते हैं. तो अब आप लोग जितनी भी रेड लाइन्स है ना उसका जनरल इक्वेशन निकालते हैं, एल वन प्लस लैम्डा टाइम्स एल टू इज इक्वल टू जीरो. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज अ पैरामीटर. मतलब क्या कि एल वन प्लस लैम्डा टाइम्स एल टू मतलब हर एक रेड लाइन के लिए कुछ लैम्डा का वैल्यू. क्या यहाँ पे तो बहुत सारा लाइन पास कर सकते हैं अपन, एक दो तीन चार पांच छह, उन सबको जनरल फॉर्मूला दे दिया. अब मतलब कैसा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन प्लस लैम्डा टाइम्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू. मैंने एल वन की जगह ये लिख दिया, एल टू की जगह इज इक्वल टू जीरो. ये हो गया जितनी भी रेड लाइन्स है उनका इक्वेशन. तो आप बोलो सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये वाली लाइन का इक्वेशन है, तो उसके लिए कोई लैम्डा का वैल्यू दिया रहेगा तो आप ये वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. अगर समझो किसी को ये वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का है तो और अलग लैम्डा का वैल्यू दिया रहेगा. अब आप लैम्डा का वैल्यू कितना ला सकते हो, लैम्डा इज अ रियल नंबर. अब रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो कितने वैल्यू आ सकते हैं लैम्डा के, इनफाइनाइट. तो मतलब लाइन भी कितने आ सकते हैं, इनफाइनाइट. क्या दो अलग अलग लाइन के लिए एक लैम्डा का वैल्यू हो सकता है? नहीं, हर एक लाइन के लिए एक अलग अलग लैम्डा का वैल्यू रहेगा. मतलब अगर इस लाइन के लिए लैम्डा का वैल्यू समझो टू है तो क्या इस लाइन के लिए भी टू हो सकता है? नहीं. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फैमिली ऑफ टाइम्स. फिर लैम्डा वैम्डा सब कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप सम देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि लैम्डा कैसे फाइंड, ठीक है, सब देखोगे अपने आप मालूम पड़ जाएगा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. क्या है कॉन्सेप्ट का नाम, फैमिली ऑफ लाइंस. इस एग्जांपल में आपको देता हूं, सपोज मैंने आपको एक सम दिया कि एक इक्वेशन है एक्स ए प्लस टू बी वाई ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है. अब लिखा है For different values of A and B, the line passes through a fixed point. तो बताओ fixed point क्या? अब इस equation को देखो पहले कुछ समझेगा ही नहीं अपने, पर ध्यान से अगर हम देखेंगे इस equation को तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा. हम क्या करेंगे, A वाले values एक साथ लिख देंगे, common ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y और ये माइनस. b वाले ले लेंगे तो आ जाएगा 2x 3y माइनस. सेकंड लाइन में सिर्फ ay आना चाहिए ना, ay वही तो लिखा 3ay. अच्छा सॉरी सॉरी गलती से, तो यहाँ पे आ जाएगा y x plus. अब चलो हम जानते हैं कि ए और बी अलग अलग वैल्यूज, चलो ए से डिवाइड कर, यहाँ पे आ गया बी अपॉन. अब इस बी अपॉन को नाम दे सकते, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कॉन्स्टेंट है नंबर ही है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लैम्डा, चलो लैम्डा नाम दे. बेसिकली हमने क्या किया,
क्या फाइंड कर लिया, देखो ऐसा वाला इक्वेशन फाइंड कर लिया, फैमिली ऑफ लाइंस का जनरल इक्वेशन, तो ये कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और बहुत सारी लाइन पास हो रही होगी। अब मुझे ये चाहिए है कि जितनी भी लाइंस है सीधी बात है एक ही पॉइंट से पास हो रही होगी, यही पॉइंट रहेगा आप देख सकते। अगर मैं ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लूँ तो अपने आप इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, पर ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे दो लाइन का इक्वेशन चाहिए रहेगा जो ऑलरेडी मुझे मालूम है दिया है आपने। एक लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब इज इक्वल टू वन, और दूसरे लाइन का इक्वेशन हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन। चलो दोनों को सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग, सॉल्व कर लो फटाफट। सर सर हमें ये क्वेश्चन क्या दिया था, ये क्वेश्चन दिया था कि अगर ये गिवन इक्वेशन है फॉर अवर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट टू व्हिच लाइन इज पास। अच्छा तो बेसिकली उन लोग ने हमें थर्ड लाइन का इक्वेशन दिया है और उससे हमें फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन, मतलब लाइन का इक्वेशन ढूंढ के इंटरसेक्शन। ओके सर, ठीक है। बोलो समझ में आया? यस सर। अब स्टूडेंट उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है अपने मॉड्यूल में आगे जाके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब दो लाइंस की बात हम लोग वो कॉन्सेप्ट है ना आगे ट्वेल्थ में सीखेंगे। रीजन ट्वेल्थ में अच्छा खासा, क्योंकि जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है मेंस में आता नहीं, अगर 15-20 साल में पेपर देखा हुआ मेंस एडवांस में तो लेयर केस में, फिर भी हमको सीखना तो है, लेकिन हम लोग है ना जब हम लोग ट्वेल्थ में पहुंच जाएंगे तो कॉन्सेप्ट तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। छोटा कॉन्सेप्ट आता नहीं है, लेकिन वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बोर्ड्स में बहुत आता, बोर्ड में बहुत आता है भर के, तो अच्छा खासा एक चैप्टर है ट्वेल्थ बोर्ड्स में पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे जब ट्वेल्थ पे पहुंचेंगे ना, ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे ना, तब ये कॉन्सेप्ट अपन समझ लेंगे बहुत जल्दी आप पहुंचे। अभी इट विल बी टू अर्ली, और इन लोग ने इसमें क्यों दे दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन टॉपिक में ना तो लोग इसमें डाल दिए, इसलिए अपन वो अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है अभी अपन स्ट्रेट लाइन पे थोड़ा अपन हाथ, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आपको मैंने ना फैमिली ऑफ लाइंस, इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंगल बाई सेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पैरेलल लाइंस, बाद में पैरामेट्रिक फॉर्मूला, रिफ्लेक्टेड रे वाला सम, उसके बाद मैंने सब कुछ करवा दिया इस टॉपिक में से एक्सेप्ट लोकस, बराबर बोल रहा हूँ। हाँ कॉन्फ्रेंसी, हेलो रुचित आपने क्या बोला सर, कॉन्फ्रेंसी आपने करा दिया? हाँ मालूम है, मालूम है। अच्छा रुचित आपने कुछ बोला सर, कैन यू सॉल्व, क्या सॉल्व करने का आपने बोला, मैं समझा नहीं सर। ये सॉल्व कर लो ना, हाँ तो ये सॉल्व कर लो ना, देख जैसे ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, इसमें चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस कर दो y is equal to minus 1, सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें माइनस में, माइनस वन ऑफ जाएगा तो प्लस 1, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 2 कॉमा माइनस, समझे? यस सर। अब मुझे खाली आपको एक छोटा टॉपिक सिखाना है लोकस, ओके तो मैं सिखाऊंगा, पर उसके पहले मैं थोड़ा ऐप में से सम स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल एकदम, जो सम्स आते हैं। हेलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब चलिए मैं ऐप में से सम्स कर। सर एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी है क्या? एरिया ऑफ पॉलीगॉन मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है,
ओके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, तो आपको क्वाड्रिलेटरल का तो मैंने बताया कि बीच में डायगोनल बना लो, दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो और ऐड कर लो। सपोज लाइक ऐसा कोई शेप पूछा है जिसमें लाइक दो या तीन ट्रायंगल बन गए, तो फिर वो लेंथी नहीं हो जाएगा पूरा सॉल्व करते बैठने के लिए? हाँ, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। आप क्या होता है, जो हमारे मॉड्यूल है ना उसमें सब कुछ एग्जैक्ट जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस नहीं दिया होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा दिया। अगर आपको पॉलीगॉन जनरली ऐसे जैसे आपने बता रहे हो, पीछे पॉलीगॉन का एक फॉर्मूला एक दिया है एरिया ऑफ हो करके, तो जनरली ऐसा नहीं आता, इसलिए मैं आपको खाली मैंने आपको ट्रायंगल ही सिखाया है, इसलिए है ना। आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि जहां पे क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा दिया है कोई क्वेश्चन, सोचो देखो नहीं होगा 100%। और अगर पॉलीगॉन रहेगा तो अपना रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा, हेक्सागन रहेगा, पेंटागन रहेगा, तो उसका अपने एरिया आपके पास अलग मेथड डिफाइन कर सकते। और अगर आपको ये मेथड सीखना है तो मेथड भी कुछ नहीं, जो लॉजिक इस्तेमाल किया हुआ वैसे कर देने का, इसको बोलते हैं स्टेयरकेस मेथड, और कुछ नहीं, पर जरूरत नहीं है, इतना कर लो सफिशिएंट, जरूरत नहीं है सब, इसलिए मैंने आपको नहीं सिखाया। चलिए आगे सम्स करते जेई मेंस के। आप जेई मेंस के ऐप पे देखना ना, मैं आपको जितने सम्स सिखाऊंगा कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चला ये सम्स करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आपके पास ऐप है ऐप? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 79 इन ट्रायंगल PQR, suppose in triangle PQR the coordinates of P and Q are -2, 4 or 4, -2। ठीक, आगे क्या दिया देखो पढ़ो। If the equation of perpendicular bisector of PR, equation of perpendicular bisector of PR is 2x - y + 2, suppose मान लो ये circumcenter, because perpendicular bisector से circumcenter आता है, मान लो O is a circumcenter और ये perpendicular bisector जो OT, perpendicular bisector of PR मतलब OT, OT का equation मान लो दिया हुआ है 2x - y + 2 = 0, then the center of the circumcircle of a triangle PQR, तो triangle PQR का circumcircle का center, सीधी बात तो यही होएगा, जहाँ पे all perpendicular bisector meets, इसका bisector center ये रहा, इसका बाइसेक्टर ये रहा, जहां मीट होएंगे वही होएगा सर्कम सेंटर। और तो सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट बोल, बोलो क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया यहाँ पर? हेलो बोलो। हेलो। यस सर। अब अपने पास डेटा देखो क्या क्या है, अपने को ओ ढूंढने, सिंपल है, वो अगर ढूंढने का है तो मालूम है अपने को कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, आपको ओटी मालूम है तो ओटी है तो उसका नाम ओएस कर दो, अच्छा तो आप ओएस का इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। अब ओएस का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, अपने को पीक्यू का क्या चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए, चलो पीक्यू का स्लोप मालूम कर लेते हैं। व्हाट इज स्लोप पीक्यू, 4 + 2 = 6 अपॉन -2 - 4 - 6, तो आंसर आ गया -1। अब पीक्यू का स्लोप -1 है तो मुझे बताओ ओएस का स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा,
और एस मिड पॉइंट है क्योंकि परपेंडिकुलर बन सकता है, तो एस का कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू, तो फोर माइनस टू, टू टू अपॉन टू वन माइनस टू प्लस फोर टू, टू अपॉन टू वन। सर हाँ सर, सेंट्रोइड के फॉर्मूला में तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री वाला ना, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे सर? सर इसमें हमको फिर क्यू आर का भी परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा फाइंड करना पड़ेगा ना। क्यों क्यों OS और OT से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ सकता? हाँ सर, नहीं सर मैं सोच रहा था हम R पॉइंट फाइंड कर ले मिड पॉइंट और इक्वे मतलब मिड पॉइंट निकाले, फिर उसे जो इक्वेशन दिया है OT का उसमें डाले, तो उधर हमको H का मतलब R का पॉइंट मिल जाएगा और फिर सेंट्रोइड आ जाएगा ना। सेंट्रोइड नहीं चाहिए, सर्कम सेंटर चाहिए भाई मेरे। तो ओके सर, सेंट्रोइड अलग होता है, सर्कम सेंटर अलग होता है, बराबर बोला मैंने? यस यस सर। तो मुझे S आ गया मिड पॉइंट, अब मैं OS का इक्वेशन फाइंड करता हूं। तो y माइनस y1 स्लोप कितना है वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन गया, तो वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन। और ये कौन सा इक्वेशन है? टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू इक्वेशन टू। चलो फटाफट माइनस कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज जीरो, टू एक्स माइनस वाई इज माइनस टू, माइनस प्लस प्लस कट, एक्स माइनस टू एक्स माइनस जीरो प्लस टू टू, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस टू, एक्स का वैल्यू माइनस टू है तो उसमें सब्सिट्यूट कर दो, माइनस टू यहाँ पे जाएगा प्लस टू, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई का वैल्यू माइनस टू, माइनस टू मतलब सर्कम सेंटर कितना आ गया माइनस टू कॉमा माइनस टू। देखो ये इस साल का क्वेश्चन है, देखो चेक करो मार्च के महीने का क्वेश्चन पार्ट है, मार्च में आने को शिफ्ट हुआ है, आया समझ में सम? यस सर। कॉपी कर लो फटाफट, हेलो किसी ने कुछ मैसेज किया, बोलिए एक्सप्लेन अगेन। ओके अनुज आप ऐसे बातचीत कर सकते हो इंस्टेड ऑफ चैट, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। आप रिपीट कर सकते हो क्या सर? हाँ मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपसे आप ऐसे बातचीत कर सकते हैं। आपको सबसे पहले डायग्राम समझ में आया जो मैंने क्वेश्चन नंबर 79 अगर आपके पास है रीड करो। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, मैंने OSB बन, अब मैं जानता हूं OS इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। अब मुझे OS का इक्वेशन फाइंड करना, तो सबसे पहले मैंने S फाइंड किया बिकॉज S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो आपको S फाइंड करना आता है बोलो? हेलो आपको S फाइंड करना आता है मिड पॉइंट ऑफ PQ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन, बोलो आता है कि नहीं आता है? करके देखता हूं। हेलो हेलो आता सर पक्का? इसमें कोई ऑकवर्डनेस नहीं है, नहीं आता तो बोलो मैं सॉल्व करूंगा इसको। आता है सर। ठीक है तो चलो आपको ऐसा, फिर मैंने PQ का स्लोप निकाला, आप देख सकते हो मैंने PQ का स्लोप निकाला कैसे, y2 minus y1 upon x2 minus x1, बोलो ये समझ में आए? हाँ सर। अब आप डायग्राम में देखो PQ और OS आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर
है सर। तो आपने लॉजिक पढ़ा है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है स्लोप का, पढ़ा है आपको? अच्छा ये परपेंडिकुलर, हां तो माइनस वन का रेसिप्रोकल करो माइनस वन ही रहेगा, है ना, माइनस वन आपका, और इनटू उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आ जाएगा। ये आप जानते हो कैसे आता है? हाँ सर स्लोप। अब नहीं पक्का पक्का समझ में आ रहा है ना? आ रहा है सर। अब OS का इक्वेशन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस ये रहा अपना y1 इज इक्वल टू स्लोप OS का, तो ये रहा x माइनस x1 ये रहा, तो सॉल्व किया दिया आंसर आपने। ये किसका इक्वेशन आ गया? OS का। OT का इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, काम हल्का कर दिया हमारे इन लोग ने, है ना, तो OT का इक्वेशन ये लिख दिया, ये OS का है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो जो आपको आता है, जिसे x आ गया, x को सब्स्टिट्यूट किया इसी में तो आया। समझा नहीं? समझा सर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 हाँ 82 तो क्या हो गया? ओके 82. क्या लिखा है? The number of integral values of m. अब integral का मतलब होता है integer of m. मैं read कर रहा हूँ, आप भी ध्यान दो. So that abscissa, abscissa का मतलब होता है x coordinate of the point of intersection of the line is also an integer. भाई इसको मैं simple way से समझाता हूँ. समझो दो line intersect. इसका नाम है 3x plus 4y is equal to mx, और इसका नाम है y is equal to mx plus 4. ये बोलता दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, आप है ना m का इंटीजर वैल्यू फाइंड करो, मतलब m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो कितना m का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो? कंडीशन क्या दिया कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट, ये अलग अलग ना, तो बोला एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो भी बिलोंग्स टू इंटीजर ही है। आप कितना एम का वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो इंटीजर है, सच दैट कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑल्सो एन इंटीजर। बोलो समझ में आया क्वेश्चन पार्ट? यस सर। चलिए अब दोनों पे इक्वेशन देख, ये क्या हो जाएगा, इसको ढंग से लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब ये इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर 4y चलो, ये क्या हो जाएगा 4mx माइनस 4y माइनस 4, बोलो समझा? अब ये और ये जो जो मैंने रेड वाला टिक किया है वो दो इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस। इसको और इसको ऐड कर दूंगा, जब ऐड करूंगा तो 4y 4y कट, क्या आ जाएगा 3x प्लस 4mx 9 माइनस 4 5, x कॉमन 3 प्लस 4 m इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 प्लस 4। अब इन लोग ने क्या बोला है, x तो इंटीजर है, बोला ना x इंटीजर, यस और नो? यस सर। और साथ में क्या बोला है, एम भी एक इंटीजर है, एम भी एक इंटीजर, सीधी बात है इंटीजर, अगर एम, अब कॉमन से यूज करो, अगर एम इंटीजर है तो इंटीजर इनटू दिस इंटीजर प्लस इंटीजर, तो ये तो इंटीजर हो, पर ये ऐसा इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये जो नीचे वाला डेटा है ना ऐसा कुछ होना चाहिए जो फाइव का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो आंसर एक्स इंटीजर आएगा, बराबर बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब नीचे नीचे फाइव आ जाए, प्लस माइनस भी चले, फाइव आ जाए चलेगा, हाँ चलेगा,
बराबर, इफ आई चल सकता है, हाँ चल सकता है, लेकिन अब ध्यान से लॉजिकली सोच, ये लॉजिक वाला सम। अब फाइव चल सकता है, हाँ चल सकता है, राइट। अच्छा उसके बाद अगर फाइव लाने, अगर ये फाइव रहेगा तो फाइव फाइव कट, एक्स का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू वन इंटीजर है, चलेगा सेटिस्फाई। और क्या चल सकता है, टेन चल सकता है, नहीं चल सकता है। अच्छा माइनस फाइव भी चल सकता है, हाँ माइनस फाइव भी चल सकता है, तो फाइव अपॉन माइनस फाइव माइनस वन हो जाएगा, एक्स खुश है इंटीजर है, उसके उसके अलावा क्या वन, हाँ वन भी चल सकता है, और माइनस वन भी चल सकता है, जीरो नहीं चल सकता। अब उसके अलावा टेन कभी नहीं चलेगा, क्योंकि टेन किया तो वन अपॉन टू हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम लोग ट्राई मारते हैं, थ्री प्लस फोर एम फाइव भी हो सकता है, थ्री प्लस फोर एम माइनस फाइव भी हो सकता है, थ्री प्लस फोर एम वन भी हो सकता है, थ्री प्लस फोर एम माइनस वन भी हो सकता है। अब लेकिन मुझे m का आंसर इंटीजर आना चाहिए, तो वही वाला चीज चलेगा मुझे। अब यहाँ पे कितना आ गया m का वैल्यू, फटाफट सॉल्व करो, फाइव माइनस थ्री कितना, टू, टू अपॉन फोर है ना, हाफ हाफ आया ना, yes. नहीं चलेगा, हमको m इंटीजर चाहिए, नहीं पसंद है मुझे। अब ये क्या, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट, एम का वैल्यू माइनस एट अपॉन फोर माइनस टू इंटीजर है, चलेगा। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, फोर एम इज इक्वल टू वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस हाफ, हमको तो इंटीजर चाहिए, नहीं चलेगा। अब ये वाला देखते हैं, फोर एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू, एम माइनस वन आ रहा है, चलेगा। अब इसके अलावा और कोई नंबर आ ही नहीं सकता है, अब सोचो नहीं आ सकता नंबर, जीरो आ नहीं सकता है, टेन आ नहीं सकता है, इलेवन आ नहीं सकता है, ट्वेल्व फिफ्टीन कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कैसा नंबर होना चाहिए जो फाइव हो या फाइव से छोटा हो, है ना। yes, और साथ में फाइव फाइव छोटा, साथ में मल्टीपल ऑफ फाइव भी होना चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी है, यस और नो, और कोई पॉसिबिलिटी है सोचो, और सोचो यहाँ पे और कुछ आ सकता है, कोई भी कोई दूसरा सोचो, कोई बोलेगा माइनस इलेवन, कैसे आएगा माइनस इलेवन, फाइव पर माइनस इलेवन हुआ तो एक्स तो इंटीजर बोला, इन लोगों ने इंटीजर नहीं रह पाएगा, तो दो ही आंसर आएंगे एम के दो ही आंसर। तो यहाँ पूछा है कितने वैल्यूज आएंगे एम के, तो मैंने लिखा है ऑप्शन आ जाएगा बॉम्बे, बोलो समझा, यस सर, ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन, बोले किसी को डाउट है तो पूछ, बोलो सर एक बार फिर समझाओ, यहां तक तो समझ में आ गया है। यस, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इंटीजर है, एम भी इंटीजर है, तो एम का कितना वैल्यू है, हाँ अगर इसको इंटीजर बनने का है तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो फाइव का मल्टीपल होना चाहिए, बराबर बराबर, पर फाइव से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्यों, फाइव से ज्यादा हुआ तो ऊपर फाइव है नीचे है टेन है, तो फाइव अपॉन टेन तो हाफ हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू तो इंटीजर है, बराबर है बराबर। अच्छा मतलब टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी फाइव फोर्टी तो नहीं हो सकता है, अच्छा सिक्स सेवन एट नाइन भी नहीं हो सकता, फाइव से छोटा होना चाहिए, नहीं नहीं फाइव से छोटा होना चाहिए, फाइव भी तो चलेगा ना, हाँ अच्छा फाइव से बड़ा तो नहीं होना चाहिए, पक्का सेटिस्फाई, यस अच्छा फाइव हो सकता है तो मैंने फाइव ले लिया, अच्छा माइनस फाइव भी हो सकता है ना, हाँ तो माइनस फाइव ले लिया, अच्छा वन भी हो सकता है, वन हाँ हो सकता है, हो सकता है माइनस वन भी हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है, नहीं क्योंकि अपॉन जीरो थोड़ी चलता है, अच्छा इसके अलावा एक दो तीन चार क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो एम का आंसर कितना आया, हाफ, लेकिन इन लोग ने बोला है m belongs to integer दिया है ना क्वेश्चन पार्ट में, हाँ तो चलेगा, हाफ इंटीजर है, नहीं इसमें m minus 2 आया, minus 2 इंटीजर है, हाँ है, ये सॉल्व किया तो m का वैल्यू minus half आया, minus half इंटीजर है, नहीं
फिर मैंने ये सॉल्व किया तो m का वैल्यू माइनस वन इंटीजर है, हाँ है, तो m के कितने आंसर आ रहे हैं? दो, तो ऑप्शन आ गया बॉम्बे, समझा? यस ओके। ये भी इस साल पूछा हुआ है, देखो 18th मार्च। ठीक है सर, एक मिनट, क्या हो गया? मैं लिख रहा हूँ। हाँ लिख रहा हूँ। हो जाएगा तो बोलो मुझे। चलो हो गया, मैं 83 पे जा रहा हूं। हेलो स्टूडेंट, 83 पे। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,3, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो मान लो 1,3 से पास, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट टू विद अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है उसके साथ कोई एंगल बना रहा है, वो एंगल कितना है? टेन इनवर्स ऑफ माइनस, और लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? y plus 1 is equal to 3 root 2x। अब बोला है कि जो ब्लैक लाइन है ना, इसका इक्वेशन फाइंड, ऐसा सब हम लोग ने किया। बस इन लोग ने क्या किया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, tan theta Equals to root 2। Yes। अब ये रेड वाला लाइन देखो, रेड वाला लाइन को ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? Yes, sir। कौन सा फॉर्म हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y is equal to mx plus c। Yes, sir। तो इसका स्लोप कितना हो गया? 3 root 2। बराबर बोला मैंने, लिखा बराबर। अब yes, इसका sir। ये ब्लैक लाइन का स्लोप नहीं मालूम है तो उसका m ले लो, स्लोप ले सकते हैं? यस। अब आपने tan थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा है, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। बराबर tan थीटा डायरेक्टली दे दिया रूट टू, लिख दिया रूट टू मैंने, m1 इसको ले लो, चलो इसका स्लोप m, m2 इसको ले लो, upon 1 plus m into, बोलो राइट किया? यस सर। अब आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर, 3 to the 6 रूट टू m प्लस 3 root 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 to the 18। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 3m root 2 into 2 आ जाएगा 6, root 2m plus इसका square 9 into 2, 18m square। बोलो बराबर लिखा मैंने, नीचे a plus b the whole square, a square plus b square। Yes sir। Cross multiply कर लो, 2 plus 6 to the 12 root 2n 18 to the 36 m square, m square minus 6 root 2n plus 18, चलो सॉल्व करो, 35 m square
12 root 2 plus 6 root 2 मतलब 18 root 2. 2 minus 18 minus 16 is equal to 0. अभी equation solve करना है. तो ये answer आएगा. सोचो कैसे solve कर सकते हैं इसको. सर quadratic formula से. तो चलो कर लो कोई बात नहीं. Minus 18 root 2 plus minus under root b square 18 root 2 का square. 18 का square कितना होता? 324 बराबर 18 का square right. root 2 का square 2 to the 8 2 to the 4 648 minus 4 into 35 into minus 16 ये हो जाएगा 2888. उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स क्या आ जाएंगे देखो. 2888 फैक्टर्स क्या आ जाएंगे देखो. 2 से कर दो, 2 1 जा 4 जा 4 जा, फिर 2 से कर दो कितना, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से कर दो 2 3 जा 361. अब 361 किस में जाएगा देखो. 361 किस में जाएगा. अच्छा कैलकुलेशन भी चेक कर लो, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया. नहीं सर बराबर, लेकिन काफी लेंदी हो रहा है ना ये इसके रूप के कारण. यस सर. हाँ तो चलो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कभी भी ऐसा कुछ आपको लगा कुछ लेंदी हो रहा है ना एग्जाम में, तो क्या करने के, जैसे भी यहाँ पर हम लोग तो काफी लंबा पहुंच गए, पहुंचो भी मत अगर लेंदी हो रहा है तो. लोगों में इक्वेशन ही ऐसा जान के बनाए कि लेंदी हो गया है, तो क्या करने का, डायरेक्ट डायरेक्ट में थोड़ा सा इरेशनल नंबर को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन चल. हाँ 19 का स्क्वायर 361 है, मालूम मुझे 19 आ जाएगा बराबर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेंदी क्यों कर, थोड़ा लेंदी लग रहा है, उससे भी आंसर आएगा. जैसे एक ने बोला 19 का स्क्वायर है ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ लेंदी लग रहा था. अगर ऐसा कर ले, दो कंडीशन मॉडल हटाएंगे दो कंडीशन आएगा प्लस माइनस, तो अगर हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे ज्यादा अच्छा है ना. हाँ है ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए. सोच यस, और बड़ा भी नहीं होगा. हाँ बड़ा भी नहीं होगा, तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं. तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर ज्यादा लेंदी हुआ उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मल्टीप्लाई किया तो रूट टू, ये क्या रूट टू इंटू टू, टू टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स एम इज इक्वल टू एम माइनस थ्री रूट टू, सिक्स एम माइनस एम फाइव एम, माइनस थ्री रूट टू माइनस रूट टू मतलब माइनस फोर रूट टू, एम का वैल्यू माइनस फोर रूट टू अपॉइंट फाइव, इजी हो गया ना. ये आ गया माइनस रूट टू माइनस सिक्स एम, एम माइनस थ्री रूट टू माइनस सिक्स एम माइनस एम माइनस सेवन एम, माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू माइनस टू रूट टू, एम इज टू रूट टू अपॉइंट सेवन. अब अपने को पॉइंट मालूम है, वी कैन अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस थ्री यहाँ से मिला इज इक्वल टू माइनस फोर रूट अपॉन फाइव इंटू एक्स माइनस वन बराबर, ये क्या आ जाएगा फाइव वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस फोर रूट टू एक्स प्लस फोर रूट टू, यहाँ पे आ जाए क्या आ जाएगा फोर रूट टू एक्स प्लस फाइव वाई फिफ्टीन, यहाँ पे जाएगा 15 प्लस 4. देखो ऐसा ऐसा कोई आंसर मिलता है अपने को,
ऐसा कोई आंसर नहीं होगा समझा। यस सर। अच्छा आप लोगों को ब्रेक चाहिए अभी बोलो। यस सर। तो मैं फिलहाल है ना पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग में। चलिए हम लोग ने अभी 83 सम सॉल्व किया ना, आगे बढ़ते अभी और सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 85। क्या दिया है? लेट द सेंट्रोइड मिला क्वेश्चन पार्ट। लेट द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी बी एट ओरिजिन। सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसका सेंट्रोइड आपको मालूम रहेगा स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट होता है, जानते हो कि नहीं? यस सर। हाँ तो अभी इन लोग ने बोला है कि सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन, नो प्रॉब्लम, उसको सेंट्रोइड बोलो, जो बोलना है बोलो, क्या राइट। चलो अभी इसको इन लोगों का नाम सेंट्रोइड दे दिया, तो सेंट्रोइड इज ठीक। लेट वन ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 3। सपोज इसका इक्वेशन मान लो ए बी का x प्लस y इज इक्वल टू 3 है। लेट कैपिटल R एंड स्मॉल r बी द रेडियस of circumcircle and in circle of a triangle ABC। अब capital R क्या होगा? देखो बता देता हूँ आपको capital R क्या होएगा। अगर equilateral triangle में अगर आपने vertices को join किया ना, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो point है equilateral triangle खास properties को centroid भी बोल सकते हैं, ortho center भी, circum center भी सभी। तो अगर आपने इसको vertices से join किया ना ये ऐसा, तो ये बन जाएगा रेडियस, सर्कम रेडियस मतलब कैपिटल आर। ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर। और अगर आपको इन सर्कल चाहिए तो इसको इन सेंटर भी बोलते हैं। इसको अगर आपने इसको यहाँ से ऐसे जॉइंट ये परपेंडिकुलर बनाए ना, ये बन जाएगा अपना इन सर्कल का रेडियस है ना, ऐसा बनाते हैं सर्कल। समझ में आ रहा है? स्मॉल आर। यस यस सर। अब अपने को पूछा है कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या होता, ये पूछा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या होगा, राइट। नाउ स्टूडेंट अब इतना लॉजिक ध्यान रखो कि जो आपने लाइन बनाया ये हमने क्या बोला, ये सेंट्रोइड भी है, ऑर्थो सेंटर भी है, सर्कम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है। तो अगर ये इन सेंटर हुआ तो मतलब ये एंगल वाइज सेक्टर होएगा। यस सर। मतलब ये 30 डिग्री होना चाहिए और ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। यस। इट इज ओनली पॉसिबल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस। चलो ये मैंने नाम दे दिया सपोज ओ, इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब मुझे क्या चाहिए कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल OBD, हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं ट्रायंगल OBD में। अच्छा आपको ये भी मालूम होएगा कि ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। 30-60-90। यस बराबर। तो ट्रायंगल OBD इज 30-60-90। यस और नो? यस सर। तो अभी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब ये
कौन सा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री स्मॉल आर इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज कौन है हाइपोटेन्यूज बीओ कैपिटल आर कैपिटल आर तो चलो आपके को एक रिलेशन तो आ गया आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बोलो समझ में आया सर फिर से एक्सप्लेन करो ना नहीं नहीं समझ में ये 30 डिग्री है समझा यस सर ये 60 डिग्री है ये 90 है तो ट्रायंगल कौन सा बन गया 30 60 90 ट्रायंगल बराबर यस सर व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है बताओ हेलो मालूम है 30 60 90 ट्रायंगल का सर द एंगल अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज तो बताओ 30 डिग्री के अपोजिट में एंगल है 30 डिग्री का साइड 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है स्मॉल आर स्मॉल आर तो दैट विल बी द हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये है देखो कैपिटल आर यस सर तो बराबर लिखा मैंने यस सर बोलो समझा अभी यस सर राइट ना अब मुझे ना स्मॉल आर कैलकुलेट करने का कैसे कैलकुलेट करेंगे बताता देखो अच्छा अगर ये स्मॉल आर है तो काम करते हैं सबको सिंपल करने के लिए इन लोग ने कोई भी साइड बोला ना कोई भी साइड एनी साइड बोला है ना तो हम लोग ये साइड ले लेते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री चलेगा ना कोई भी साइड यस एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू कोई भी साइड अब ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं मॉडुलस वाला फॉर्मूला से यस यस स्मॉल आर इज इक्वल टू ओरिजिन है तो हो जाएगा जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन रूट टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन बोलो समझा यस यहाँ से आपने क्या सीखा आर इज इक्वल टू टू आर सीखा ना यस अब आपको क्या फाइंड करने का है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर व्हाट इज कैपिटल आर टू आर सीखा आपने स्मॉल आर आंसर इज थ्री आर बट व्हाट इज स्मॉल आर आपके सामने है नाइन अपॉन आंसर इज नाइन अपॉन चेक करते हैं ऑप्शन क्या है ऑप्शन बॉम्बे नाइन अपॉन बोलो समझा Yes. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं सर एक मिनट हो गया हो जाएगा तो बोलो बेस्ट बढ़ू आगे में कम फॉर 77 तीन लाइन का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एंड टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स ये बोल रहे हैं तीन लाइन के इंटरसेक्शन से क्या मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या करने का सर लेंथ ढूंढेंगे ना तीनों के नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट करना उसके बाद देखेंगे लेंथ ढूंढना है नहीं हम लोग क्या करते हैं एक काम करते हैं
हम पहले वन एंड टू सॉल्व करते हैं, फटाफट वन एंड टू सॉल्व कर लो, ओरली कर लेते, माइनस कर लेते वन एंड टू, माइनस किया तो माइनस एक्स और एक्स चला जाएगा माइनस वाई, माइनस सर वाई इक्वल टू माइनस वन, माइनस थ्री वन और ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो वाई इज इक्वल टू वन आवर, एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब इन दोनों का सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, तो सपोज मान लो कैपिटल ए आ गया वन कॉमन वन, अब मैं टू एंड थ्री सॉल्व करता हूँ, नहीं नहीं सर वाई इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, नहीं दोनों माइनस वन है सर, नहीं सही है, हमको तो वन आ रहा है, आप गलत बोल रहे हो, ये सर बराबर है, जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री, अच्छा हाँ मैंने माइनस थ्री नहीं सोचा, अब टू एंड थ्री सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं टू एंड थ्री में, इसमें टू से मल्टीप्लाई करते तो एक्स एक्स बाद में कट हो जाएगा, तो टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर वाई थ्री टू एक्स सिक्स, ये क्या है टू एक्स प्लस वाई थ्री इक्वल टू सिक्स, माइनस किया तो कट कट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो तो एक्स का वैल्यू थ्री, दो में से कोई भी एक पर हम देंगे, तो मान लो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बी होगा, बी कितना है, अब इसको इसको करते इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सी होगा, वन एंड थ्री सॉल्व कर लेते, एक्स माइनस वाई जीरो, टू एक्स प्लस वाई सिक्स ऐड किया, थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई बी टू आएगा, मतलब सी हो गए टू पॉइंट, अब आपके पास आइसोसेलेस होगा राइट, अब मुझे पता नहीं आपको देखना पड़ेगा बी कितना है थ्री कॉमा जीरो और सी कितना है टू कॉमा, अभी लोग ने बोला राइट एंगल टू इक्विलेटरल एंगल आइसोसेलेस या नॉन आइसोसेलेस, तो फटाफट ए बी का लेंथ फाइंड करो, तो अंडर रूट करके कर लेंगे, अंडर रूट ए बी का थ्री माइनस वन टू, टू का स्क्वायर फोर प्लस जीरो माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन, रूट का ए बी रूट का, बी सी फाइंड कर लेंगे थ्री माइनस टू वन, जीरो माइनस टू का स्क्वायर फोर मतलब रूट, अब ये चेक कर लेते टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन, रूट टू आ रहा है, दो साइड इक्वल आ रहे हैं, ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल नॉन ऑफ अबाउट आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस आ समझे, यस सर कॉपी कर दें तो यस हो गया कॉपी, यस सर एक मिनट, ये सब अभी इस साल आए हैं मतलब मार्च में, एकदम रीसेंट क्वेश्चंस, तो आपको जो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसके आप हेल्प से सब कर पा रहे हैं, देख रहे हो आप कि नहीं, यस सर यस सर, अभी चलो इस साल एक इमेज का समरी पूछा है, चलिए इमेज का समरी देखते, देखो मैंने आपको असाइनमेंट जो दिया चेक करो उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, चेक करो 155, वैसे और भी है जो फिलहाल 155 दिया है, तो बताइए नेक्स्ट वीक तक कितने करके लाओगे, लेकिन ईमानदारी से बोलना, ऐसा बच्चों का खेल खेल के मत बोलो, बिकॉज यू आर इन जीडब्ल्यूई, कितना 30 बस सो 60-200 के बीच में हो जाएगा, तो एक चलो एवरेज ले लेता हूँ 50 रखूं, कोई बात नहीं चलो मान लेते 164 है ना, तो चलो सब लोग 40-50 बोल रहे, कोई 30 बोल रहा है, तो चलो सर 164 है तो 100 जितना करेंगे हाफ ऑलमोस्ट,
लेकिन आप करेंगे लिए बाकी लोग भी तो राजी होना चाहिए ना। 40-50 ठीक है सर, सर एक वीक के लिए 100 ठीक है सर, एक वीक के लिए। हाँ सर 100 ठीक है, पर दो तीन दिन होते तो फिर 40-50 ठीक है, पर पूरा एक वीक है फिर 100। एक ने, हाँ, एक, भाई एक ने तो 30 बोला, एक हफ्ते में 30, तो मतलब अगर मैं आपको 200 सम देता हूँ तो कितना हफ्ता लगेगा? 6 हफ्ता लगेगा। बाप सर 50 चलेगा क्या? सर 50 नॉर्मल, 50 से ज्यादा नहीं कर पाओगे सर। 50 मतलब 10 एक दिन में, एक वीक का टाइम है ना सर, एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 वीक 80-100 चलेगा अगर एक वीक का। तो देखो आप हर दिन कितना कर सकते हो, 10 सम कर सर, एवरीडे 20 सम्स भी कर सकते हैं, तो फिर एक वीक में 140 हो जाएंगे। हाँ सर भाई, और 20 सम ठीक है, में बड़ा नहीं ज्यादा नहीं है, कंप्लीट करने के लिए कर देंगे सर। 70 सम्स चलो, किसी का भी नहीं, आपका नहीं, मेरा नहीं, आता ना बाजार में अपन सामान बेचते हैं, तो 80 सम चलो, 80 तक चलेगा सर। ओके सर, 13 सम एवरीडे। हां तो कितने सम्स हो गए, 80 डिवाइड बाय 7 13 ठीक है चलेगा, 10-12 सब का टारगेट रखो ठीक है, 80 सम करके लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। पढ़ो क्या दिए हमको, इमेज फाइंड करने का, अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इमेज ऑफ पॉइंट 3.5 इन द लाइन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन समझा। अब बोल रहा है कि जो इमेज है ना लाइज वेयर, ऑप्शन अगर आपने देखा होगा 76 में, तो इमेज ऑप्शन में आप बोले ऑप्शन में कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, वो अलग बात है, उन लोग ने एक इक्वेशन दे दिया कर्व का, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएगा ना वो आपको ना ट्रायल एंड एरर में चेक कर देगा कि कौन से वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बस यही एक्स्ट्रा, लेकिन आपको लॉजिक तो वही रहेगा। अब आपको मालूम है ना अपने पास एक लॉजिक था इमेज फाइंड करने का। यस सर, माइनस के ऊपर भूल गए थे लास्ट टाइम, अब फटाफट बोलते हैं, एक्स माइनस 3 अपॉन ए कितना है 1, वाई माइनस 5 अपॉन बी कितना है माइनस 1 इज माइनस 2। अब ये इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो नेट आंसर कितना आ गया माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 2 मतलब 2, 2 अपॉन 2 कट किया 1 आया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और y माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस 3 4 और y का वैल्यू ये आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 5 पे घुमा देंगे आंसर कितना आएगा 4 बराबर, तो x कितना आ गया इमेज का इमेज कितना आ गया 4.3। अब ऑप्शन देखते a b c d, वो बोल रहा है जो ये जो इमेज का कोऑर्डिनेट है ना कौन से कर्व पे लाइक करता है, तो चलो सब में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए देखते हैं किसमें LHA इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में डालेंगे ऑप्शन ए में तो आ जाएगा एक्स के बदले 4-4 0 और आंसर वहां पे क्या दिया है 8 नहीं हो जाएगा, दूसरे में 4-4 0 फिर 4+2 6 का स्क्वायर आंसर आ जाता 36 दिया है 16 मतलब नहीं, थर्ड में 4-2 का स्क्वायर 4 4-2 का स्क्वायर 4 तो 4+4 8 और दिया है 12 गलत, तो बच्चा डी चेक कर लेते हैं 4-2 2 का स्क्वायर 4
और 4 माइनस 4 0 0 का स्क्वायर 0 आंसर फॉर यस ऑप्शन इज बेटर। बोलो समझा? यस सर। ओके कॉपी हो जाएगा तो बोलो। चलो आगे बढ़े। हेलो। यस सर। 74 पेयर। द अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा एरर है उसमें, प्रिंटिंग एरर है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, 1/4 नहीं, 1/4 नीचे आना चाहिए, ऐसा है, सम ऐसा है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। मतलब ये लाइन अगर है, ये जो लाइन मैंने बनाई, इसका जो इंटरसेप्ट बनेगा एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट, इसके इन दोनों इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल और उसका अरिथमेटिक मीन इज 1/4। अब बोला कि इस लाइन के ऊपर तीन स्टोन पड़े हैं। द थ्री स्टोन ए बी सी आर प्लेस्ड एट द पॉइंट 1/1। अब समझो तीन स्टोन है, एक स्टोन का नाम है ए 1/1, दूसरा नाम है 2 और तीसरा नाम है 4/4। अब बोला इस तीनों में से कौन कौन से स्टोन इस लाइन पे लाए कर रहे। तो चलिए मैं लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए समझता हूं और वाई इंटरसेप्ट बी समझता हूं। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू। अब इन लोगों ने क्या बोला है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट ए है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a, वाई इंटरसेप्ट बी है तो उसका रेसिप्रोकल 1/b। अब इन दोनों का अरिथमेटिक मीन मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज 1/4, ऐसा कुछ दिया है। उसका मतलब 1/a + 1/b क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2/4, 2 × 1 = 2, right? तो 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/2। बराबर 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/2, ऐसा, right? अब इसमें देखने का है कौन कौन सा स्टोन इस पे लाई करता है। अगर जो भी स्टोन लाई करेगा इस पे वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो पहले चांस लेते ए का, क्या आ जाएगा अगर मैंने ए को कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1। पर आपने क्या प्रूव किया कि 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/2 होता है, मतलब गलत हो गया। अब बी का चांस देखते हैं, बी में क्या आ जाएगा एक्स और वाई के बदले 2/a + 2/b इज इक्वल टू 1।
इस टू को हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड बाय टू कर सकते हैं, तो आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, और अपने को भी हाफ आया। हाँ मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। अब सी का ट्राई मारते हैं, फोर कॉमा फोर है तो फोर अपॉन ए प्लस फोर अपॉन बी इज इक्वल टू वन, डिवाइड बाय फोर करेंगे तो वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर है। पर हमने तो प्रूव किया कि वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी हाफ आना चाहिए, मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो खाली एक ही स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो रहा है बी, तो ऑप्शन आएगा डेली इज द आंसर। ओके ओके नो प्रॉब्लम रंग यू कैन मूव। हेलो स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा समझता ना, सिंपल तरीके अच्छा समझ, थोड़ा अलग। हाँ सर। हाँ सर। सर आपने टू कहाँ से लाया? कौन सा टू बता बेटा, कौन सा टू? राइट वाला, ये वाला नहीं, उधर वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी अपॉन टू। हाँ उन लोग ने बोला है ना, पढ़ देख तेरे पास अगर है तो उसे पढ़। दी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझे, मुझे दो दो चीज का समझो, मुझे दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का 20 और 30 का, तो कैसे फाइंड करता है तू बता? डिवाइड बाय 2 करते हैं, उनको ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो वही तो मैंने किया, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेक्शन। हां हां समझ गया समझ गया, थैंक यू सर। ओके चलो आ जाओ 73 पे। इस तरह का सब हमने किया रिफ्लेक्शन का, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट वन टू थ्री फोर, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू कॉमा टू रूट। तो टू तो ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, अब टू रूट थ्री क्या होगा अंदाजे से देख लेने का, तो रूट थ्री मतलब 1.73, 1.73, 1.72, 3.4 मतलब अंदाजे से है, अंदाजे से सब अपने होगा ग्राफ समझ लेता हूँ। ये रहा अपना पॉइंट, एक रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है, इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द लाइन एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब x इज इक्वल टू वन ये रहा लाइन राइट। अभी x इज इक्वल टू वन पे यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, अब x इज इक्वल टू वन पे इंसिडेंट हो रही है, चलो ऐसा इंसिडेंट हो गया, चलो आ गया लाइट राइट। A ray of light coming from itna point, a point ka naam kya hai? 2, 2, 2. Incident at an line x is equal to 1 at point A. A pe incident. The light get reflected on the line x is equal to 1. Ab yahan se reflection hua. To ek normal bana lete, normal. Ab kya ho gaya? Light kya ho gaya? Reflect ho gaya. रिफ्लेक्ट होने के बाद इट मीन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी, अब लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया है ना, आई थिंक डायग्राम समझ में आ रहा है, एंड इट इज मीटिंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी, मुझे पता नहीं बी क्या कोऑर्डिनेट है तो रैंडम मतलब। अब आगे पूछा है कि लाइन ए बी पासिस थ्रू विच पॉइंट, मतलब बेसिकली मुझे लाइन ए बी का इक्वेशन ढूंढने का है, और फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि लाइन ए बी कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। अब लाइन ए बी का इक्वेशन कैसे, थोड़ा सा फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये 2, 2√3 है, ये ए है बराबर, और ये लाइन रिफ्लेक्ट हुआ पॉइंट बी है। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग ये वाला, अच्छा इन लोग ने एक और चीज बोला एंगल 30 डिग्री, मैं वो बताना आपको भूल गया, मैंने बोला लिखा नहीं डायरेक्ट, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री,
इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या 30 होगा, ये 30 है कि ये 30 है बताओ मुझे। अंदर वाला, अंदर वाला ए, हां वो 30 बराबर, ये 30 है तो ये भी कितना होएगा 30 होएगा। यस सर। अच्छा ये 30 है तो ये भी 30 होएगा। यस सर। और ये 150 होएगा। 150 yes, 150। अच्छा ये अगर 30 डिग्री है, सोचो अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, कौन सा वाला इंसिडेंट लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, ऐसे sir, पीछे tan 30 होगा उसका स्लोप। देखो मैं इसको पीछे ऐसे लेके जा रहा हूँ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होएगा। यस सर। मतलब ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो इसके साथ कितना एंगल बना, 30 डिग्री बना रहा है। यस सर। तो मतलब जो अपना इंसिडेंट लाइट है, देखो इंसिडेंट लाइट चाहिए तो मैं कलर कर देता हूँ भाई, इंसिडेंट लाइट अरे चलिए इसको मैं रेड कलर कर दूं, इसको इंसिडेंट रे बोलते, उसका मैं इक्वेशन ढूंढता हूँ। चलो कैसे आ जाएगा उसका स्लोप तो मुझे मालूम है, क्या स्लोप है 30 डिग्री है ना, स्लोप हो गया tan 30 मतलब 1/√3 और इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 क्या ये रहा 2√2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1√3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 2। किसका इक्वेशन इंसिडेंट। अब मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का है तो आपके पास ये इंसिडेंट रे का इक्वेशन होना चाहिए है ना, और ये जो वर्टिकल लाइन उसका इक्वेशन होना चाहिए वो भी है हमारे पास x is equal to 1। अगर दोनों को सॉल्व करूंगा तो अपने आप कोऑर्डिनेट ए आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 है, सब्स्टिट्यूट करता हूं x का वैल्यू 1 तो अपने आप y आ जाएगा 1 - 2 - आ जाएगा y माइनस 2√3 इज इक्वल टू माइनस 1/√3 y इज इक्वल टू माइनस 1/√3 प्लस 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस 1 ये हो जाएगा √3 - √3 3 - 6 आंसर आ गया 5/3 मतलब पॉइंट ए कोऑर्डिनेट ए मैं क्या लिखूंगा एक्स का वैल्यू तो 1 है ना, वाई कितना आ गया 5/3। अब मुझे ए बी का इक्वेशन चाहिए, अब ए बी का इक्वेशन के लिए आपको ए मालूम है बराबर और ए बी का आपको स्लोप भी आ जाएगा बराबर, स्लोप हो जाएगा tan 150 डिग्री, सब जानते कि नहीं। अब tan 150 कैसे फाइंड करने का, आई थिंक आपको मैंने एक मेथड सिखाया है ना वो सर्कल वाला। यस। tan 150 किसके जैसा आएगा, tan 30 जैसा, आपको याद है वो, मुझे नहीं पता ये मेथड, मैंने आपको सिखाया ना ऐसा लास्ट लेक्चर सिखाया। हाँ सर आपने सिखाया था। हाँ रिकॉर्डिंग देख लो मैं 0, 30, 60, 90 सर यहाँ पर साइन कॉस होगा ना 150, 180 बीच में चाहिए तो 45 और बीच में पे चाहिए तो 150 और समय ध्यान रखना 150 का पेयरिंग 30 से 145 का पेयरिंग 45 बराबर 120 का पेयरिंग 60 से, यहाँ पे सब पॉजिटिव यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब मुझे क्या चाहिए tan 150 तो देखो tan 150 का पेयरिंग किसके साथ है 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर। अब देखने का कि 150 डिग्री ये कोऑर्डिनेट के अंदर है, कम से कम 20-25 मिनट मैंने दिया इसको, तो स्लोप आ जाएगा -1/√3 किसका ए बी का, आपको ए मालूम है यस, स्लोप भी मालूम है तो y माइनस 5/√3 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 1/√3 इंटू x माइनस 1 ये अपना इक्वेशन आ गया। चाहिए तो सॉल्व कर लेते हैं कैसे, √3 y माइनस 5/√3 इज इक्वल टू माइनस 1/√3 x माइनस 5, अब √3 गया क्या आंसर आ गया बताओ, √3 y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ले लो एक्स प्लस रूट थ्री वन, माइनस फाइव यहाँ पे जाएगा तो प्लस फाइव प्लस वन, अभी आंसर आया। और वहां पे तो ऑप्शंस दिया कौन सा सेटिस्फाई कर रहा, तो चलो पहले चेक करते ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया है थ्री कॉमा माइनस, चेक करो एक्स के बदले थ्री लिखा, वाई के बदले माइनस रूट थ्री, रूट थ्री टू माइनस माइनस थ्री, थ्री माइनस से जीरो, सेटिस्फाइड। ऑप्शन बी, बी है फोर कॉमा माइनस रूट थ्री, देखते हैं ये फोर हो जाएगा, रूट थ्री टू रूट थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री वन सिक्स है, नो सर। तीसरा है फोर कॉमा माइनस रूट थ्री, सर डी होगा, हो जाएगा फोर माइनस रूट थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू, फोर माइनस थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू मतलब 1.5, फोर माइनस 1.5 अब बी में क्या है थ्री कॉमा माइनस वन अपॉन रूट थ्री, चेक करते हैं ये थ्री आ जाएगा और ये कितना है माइनस वन अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री तो रूट थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का माइनस वन थ्री माइनस टू आ रहा है उसमें, नहीं मेरे ख्याल से गड़बड़ हमने एंगल लेने किया है, जो 30 वाला एंगल है वो उन लोग ने क्या दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं दिया है, उसने बोला है लाइन एक्स इस इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, देखो पढ़ो हमने ध्यान नहीं दिया ऑन द लाइन वर्ड ध्यान नहीं दिया, देखो खाली एंगल 30 दिया है, दिस 30 डिग्री इसके साथ एंगल बना, देखो पढ़ो वापस क्वेश्चन में, इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन के साथ, ये गड़बड़ हो गया सर, अंदर 60 है राइट, मतलब ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, देखो लिखा है पेपर कि इट इज इंसिडेंट, ये आ गया 60, ये भी 60, तो ये 60 60, ये हो गया कितना 120, तो गड़बड़ यहाँ पर हो गया, बाकी सब तो राइट है, गड़बड़ यहाँ पर सर इक्वेशन भी चेंज होगा ना, हाँ ये चेंज होगा ये बात, हाँ लेकिन ये भी चेंज सर, हाँ भाई हाँ। सब इक्वेशन चेंज होता है, यहाँ पर भी हमने tan 30 लिया था, बराबर हम लोग ने वर्ड खाली मैंने इंसिडेंट लिखा राइट, देखो ऐसे छोटा मोटा गलती होता है तो ध्यान रखो एकदम कॉशियस रहिए, देखो आज मैंने वर्ड खाली इंसिडेंट देख लिया बस, छोटा गलती देखो एक भी, तो क्या एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा तो मुझे पता चल, अगर गड़बड़ मैच हो जाता है सर, तो नया इक्वेशन जो है जो tan 60 का जो इक्वेशन है वो आ रहा है x माइनस वन, और फिर एक मिनट पर मैं करता हूँ, हाँ देखो अब इसका आ जाएगा इंसिडेंट रे का स्लोप आ जाएगा tan 60 डिग्री है ना, हो जाएगा रूट थ्री, उसका इक्वेशन आ जाएगा वाई माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू एक्स माइनस टू, बराबर ना राइट, बार आपको वाई माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री है एक्स माइनस टू रूट थ्री, बराबर है ऐसी आया, ये किसका इक्वेशन आ गया इंसिडेंट रूट, हेलो समझा, यस सर, अब है ना ये किसका आ गया इंसिडेंट रे का, और ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन हम जानते ही है, दोनों को सॉल्व करते हैं एक्स इज इक्वल उल्टा, ये ज्यादा इजी है तो टफ है, एक्स का वैल्यू वन तो रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री, ये हो गया वन कॉमा रूट थ्री, अब ए बी का इक्वेशन स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ए बी का टेन वन टू माइनस रूट थ्री,
120 किसका साथ है 60 के साथ, टेन सिक्सटी रूट थ्री। अब ये यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव तो नेगेटिव जमा है, तो आ जाएगा वाई माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस वन। y minus root 3 is equal to minus root 3x plus root 3. So y plus root 3x is equal to root 3 plus root 3, 2 root 3. ये अपना आंसर है। चेक करते पहला ऑप्शन 3 कॉमा माइनस, ये आ जाएगा कितना x के बदले 3, 3 root 3 इसको है ना, 3 root 3 और y के बदले माइनस एस 2 root 3, ऑप्शन ए ही करेक्ट। हेलो वालूपाड़ा मिस्टेक स्टूडेंट, यस सर। चलो कॉपी हो गया तो यस सर हो गया। चलिए एक एक सेकंड सर। यस सर। कम फॉर 72 पढ़ो क्या, इफ द लाइन एक लाइन है सर, इसका इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन रूट 5। अब जो दूसरा लाइन है ना उसका इक्वेशन दे दिया है 4x माइनस 2y प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो मुझे मालूम पड़ा ये लाइन का स्लोप कितना है, देखो स्लोप तो सोचो कितना माइनस 2 पर माइनस 1 स्लोप 2 आ रहा है, इस लाइन का स्लोप भी माइनस 4 पर माइनस 2 स्लोप 2 आ रहा है, मतलब दोनों पैरेलल है। अब ये बोला ये लाइन इस लाइन से कितना डिस्टेंस पे है 1 बाय रूट एंड सर सर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और दूसरा एक और लाइन है सी एक्स माइनस सी वाई प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप कितना है देखो माइनस सिक्स अपॉन माइनस थ्री प्लस टू। अब क्या बोल रहा है कि ये लाइन इससे 1/√5 है और इससे कितना है 2/√5 यही दिया है ना, देन व्हाट आर द ऑल पॉसिबल सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये इससे 1/√5 है और ये इससे 2/√5 डिस्टेंस है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा बोलो आप कर सकते हो। यस सर बोलो सर। सो डिस्टेंस हम ये निकालेंगे कि ए मतलब डिस्टेंस जो है 1/√5 इक्वल टू मॉड्यूलस सी वन माइनस सी टू अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके लिए दोनों इक्वेशन का ए और बी सेम होना चाहिए बराबर ना, तो पहले हम लोग लाइन वन लाइन टू और लाइन थ्री, हम लोग लाइन वन और लाइन टू की बात करते हैं, तो लाइन वन और टू में ये और ये दो इक्वेशन उसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं लाइन वन को, तो क्या हो जाएगा
फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये तो ऑलरेडी है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सी वन माइनस सी टू, तो अल्फा माइनस सिक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू वन अपॉन रूट फाइव, है ना, वन अपॉन रूट फाइव। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस सिक्स, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी का मतलब होता है फोर इंटू फाइव, मतलब टू रूट फाइव, टू रूट फाइव। तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस सिक्स इज इक्वल टू, अल्फा माइनस सिक्स मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस टू, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस सिक्स। तो अल्फा के दो वैल्यूज आ जाएंगे टू प्लस सिक्स और माइनस सिक्स, तो अल्फा का वैल्यू एट आया, अल्फा का वैल्यू फोर। बोलो यहाँ तक समझे? यस। अब दूसरा बात करते हैं, क्या बात करेंगे अब, एल वन और एल थ्री की बात। ये L1 है या L3 है, पर दोनों का ये सेम सेम होना चाहिए। तो L1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 जा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 6x माइनस 3y प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, कि बीटा माइनस 9 अपॉन, ये हो जाएगा 36, 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ए 1 अपॉन 2 रूट 5 तो दिया ना, हो जाएगा बीटा माइनस 1, 36 प्लस 9 45 मतलब 5 इंटू 9 मतलब 3 रूट 5 मॉडुलस 1 अपॉन 2 रूट 5, है ना, रूट 5 रूट 5 है। तो बीटा माइनस 9 मॉडुलस इज इक्वल टू 3 अपॉन, तो बीटा का माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन, बराबर। हेलो, मैं मेरे से गलती हो गई, पूछो क्या। देखो ये 2 अपॉन रूट 5 है ना, मैंने हाँ नीचे ले लिया अपने, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 6 होता है। हाँ मैंने वही मैंने कुछ गड़बड़ मुझे देख के लगा, रूट 5 गया तो यहाँ पे सब गलत, तो मैंने कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बीटा माइनस माइनस प्लस माइनस 59, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 प्लस 9, तो बताओ बीटा कितना आ जाएगा, बीटा बीटा आ जाएगा 15, बीटा इज इक्वल। अब हम हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ आंसर क्या ढूंढने का, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा सबको ऐड कर देने का है, तो आ जाएगा 15 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4, है ना, सबको ऐड करना है ना, तो 15 प्लस 3 18, 8 प्लस 4 12, 18 प्लस 12 30 इज द आंसर। दो चेक करो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 30 इज द आंसर। बोलिए सम समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Now, question number 71. आप homework कर लेना, आ जाएगा। देन और क्या होमवर्क है, 70 भी होमवर्क कर लेंगे, 69 भी होमवर्क कर सकते हैं। चलो 68, आई एस 68, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल
आपको ये सब पाई वाई रेडियन ये सब अभी तक ट्रिगो स्टार्ट हुआ आपका नहीं हुआ है ना? नहीं सर। आपको ये सब रेडियन डिग्री से मालूम है कुछ? पाई रेडियन क्या होता है? एक पढ़ा जरा, एक पढ़ मेरा नेट मेरा अनस्टेबल दिख रहा है, एक पढ़। चलिए तो आप लोग को सब मालूम नहीं ना, तो फिर आंसर लेकिन देखने में दिक्कत आएगी, नहीं आता। अच्छा छोड़ो, फिर हम बाद में करें। चलिए 67 भी होमवर्क कर सकते हो। मार्क करते जाओ होमवर्क के साथ। अच्छा इसमें ना ये ऐप में कहीं के क्वेश्चन है ना दूसरे चैप्टर के, इसमें गलती से आ गए, थोड़ा है एरर है टेक्निकल। सर हमको ये सम जो आप दे रहे हो प्लस आपने जो पीडीएफ भेजा वो सब सम सॉल्व करना है? करना ही है ना। ओके ओके सर। नहीं कर पाओगे? नहीं सर, कर लेंगे। मैं वो सम करता हूँ जो थोड़ा अलग होएगा, मुझे लगता है कि अलग है। अगर सेम सम करूं तो क्या मतलब? मैं वो देख रहा हूँ कोई कहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे मतलब मैंने नहीं सिखाया या डिफिकल्ट है। मैंने लास्ट टाइम कहाँ से कहाँ तक सम दिए थे? आपने रैंडमली नंबर दिए थे। अच्छा, बोल सकता है अगर कोई रिपीट होगा तो वापस मत करना। देख रहा हूँ कुछ नया सम हुए, कुछ नया। नहीं फिलहाल तो नया कुछ भी नहीं। चलिए इतना आपने कॉपी कर लिया ना। चलिए मैं ना अभी लोग ना एक एडवांस का सम एडवांस का IIT एडवांस 2011। नाउ अ स्ट्रेट लाइन L 2.3, -2
is inclined at an angle of 60 degrees with the line root 3x plus y is equal to, if L also intersects x-axis, find equation of L. Some samajh mein aaya? Yes, sir. If line L hai, jo dusre line se intersect ho raha hai, उसी लाइन का इक्वेशन दे दिया रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये 60 डिग्री है, एल पास हो रहा है पॉइंट से, इसका नाम है 3, -2। अब ये एल ऑल्सो, इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट दी, इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, मतलब ये एल एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है, ध्यान रखना। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एल, बोलो ट्राई करेंगे, आपको कर सकते हो? यस सर। क्या करोगे मतलब, पहले आपका मेथड बताओ, सोचो पहले, फिर मेथड बताओ, डिस्कशन कर। क्या लगता है आपको डेटा देख के, आपको क्या लगता है, क्या क्या आ सकता है? अभी आपको एल का इक्वेशन चाहिए, आपको एल का एक पॉइंट मान है ना, तो अगर आप सोचो अगर एल का स्लोप आ जाए तो आपको उसका इक्वेशन आ जाएगा एल। यस सर। सर सर हम वो टैन थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस से निकाल सकते, यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग ने इसका स्लोप मान लिया एम, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस रूट थ्री। तो क्या आप टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? चलो यूज करके बताओ मुझे, देखो चलो यूज करके बताओ। हेलो आवाज आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो चलो यूज करो आप, है ना, ऐसा कर सकते हो, देखो थीटा को 60 ले सकते हो, एम वन को एम ले सकते हो, एम टू को माइनस रूट थ्री ले सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एम हो जाएगा और ये माइनस। अब बताओ आगे क्या है चॉइस, करो फटाफट, देखते हैं कौन कर पाते। चलो कितना मिनट दो, 10 मिनट दो, हेलो बोलो ट्राई करोगे? यस सर कर रहे हो। चलो करो, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, अभी देखो इस समय हो रहा है 18:47, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, 57 पे मैं आपसे बातचीत करता हूँ।
सर डन। बोलो एम का आंसर क्या आ रहा है सर? रूट थ्री है उसका आंसर। एम का आंसर रूट थ्री है। दो आंसर आने वाले ना? हाँ सर दो आंसर है, पर मतलब m इक्वल टू रूट थ्री है अगर माइनस लेते हैं तो, और प्लस में m इक्वल टू जीरो आता है जो पॉसिबल नहीं है, तो वो मैंने रिजेक्ट किया। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है बता? क्यों सर? क्योंकि m इक्वल टू जीरो है उसका मतलब जो लाइन है l है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, और अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो 3 कॉमा माइनस 2 से जा नहीं सकती है। यू आर 99% करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, 1% गड़बड़ किया थोड़ा सा। क्यों नहीं जा सकती है 3 कॉमा माइनस 2 से लाइन जो पैरेलल है? एक मिनट थ्री और माइनस, हाँ हाँ तो जा सकती है। क्वेश्चन में लिखा है एल इंटरसेक्ट, बराबर सही जवाब। एल ऑल्सो, इसलिए एल ऑल्सो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बोला है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर सकते, समझा? यस सर। मतलब एम का वैल्यू रूट थ्री है। अब अपने को पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो आ जाएगा वाई माइनस वाई प्लस टू। ये तो ठीक है, टाइम पास है, रूट थ्री एक्स माइनस थ्री का आंसर आ गया। वाई प्लस टू इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस थ्री रूट थ्री, तो आंसर आ जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये आंसर सर। टेन सिक्सटी वाला पार्ट आप एक बार सॉल्व कर पाओगे? हाँ जरूर, एक बार चेक कर लेते ऑप्शंस में क्या क्या है। y माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो यस आंसर मैच हुआ। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दे। अब देखो मैंने अभी आपको मैंने हम लोग एक सम कर रहे थे, हम लोग अटक गए थे, तो इसमें बेटर है 1060 का वैल्यू रूट थ्री आ रहा है ना, तो अपन प्लस माइनस रूट थ्री ले लेते ओपन करके स्क्वायरिंग के बदले, स्क्वायरिंग में ज्यादा मगजमारी हो जाए, है ना? हो सकता है ना, अभी अपने ऐसा एक सम किया था। हेलो सर। हाँ तो अगर हम लोग ऐसा ले लेते तो क्या होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग में कभी कभी हम लोग अटक जाते हैं। सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, रूट थ्री माइनस थ्री एम इज इक्वल टू एम प्लस रूट थ्री, इसमें रूट थ्री कैंसिल, माइनस फोर एम इज इक्वल टू जीरो, एम का वैल्यू जीरो, और ये माइनस रूट थ्री प्लस माइनस प्लस थ्री एम, ये ज्यादा इजी है ना, थ्री एम माइनस एम टू एम रूट थ्री, और ये भी प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री टू गए एम का वैल्यू। बोलो समझा? हाँ सर। अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है एडवांस, आईआईटी जेईई एडवांस 2011, अच्छा क्वेश्चन है ना? यस सर। मतलब मैं जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने किए है उसको अच्छे रिवाइज करो, सब कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते, कॉपी हो गया सर? अभी आगे बढ़ तो नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर 7 बजे आपको वाइंड अप, अभी बग्ड अप हो गए, थक गए, थक गए। Yes, sir. अब स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा एक लोकस पार्ट बाकी है, तो लोकस पार्ट कंप्लीट करूंगा फिर चैप्टर खत्म करूंगा। ओके सर। देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिस्कस कर तो कौन सा स्टार्ट कर देंगे आप लोग, जब तक अपने इसमें नोट्स में से ना आपको मॉड्यूल दिया उसमें से मैक्सिमम मैंने एनसीईआरटी लेवल कर लो, बहुत कुछ कर लो। अभी और भी जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, मेरे पास खूब अपने पास असाइनमेंट सम्स है। अब देखो मेंस एंड एडवांस में ना कोई इससे लिमिट नहीं होता, जैसे टेक्स्ट बुक में 20 सम कर लिए,
आपको मैं देता गया, आप करते चलो, एंडलेस प्रोसेस है ना, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट नहीं आ जाते। मान लो पर आपने 200 सम कर दिए, पर आपने कॉन्सेप्ट हिले हुए, तो 200 सम करो उसका 201 भी नहीं कर पा, 200 सम मैंने करवाया 201 भी नहीं। आपके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उसके पीछे जो लॉजिक छुपा रही वो बहुत जरूरी है। तो अगर जब आप रिवाइज करते हो, घर पे बैठ के नोट्स बनाते हो ना, तो देखो हर कॉन्सेप्ट के पीछे जो लॉजिक है, क्या आपको बराबर से आता है, नहीं आता है, क्या है। और सबसे पहले जो ऐप में से समझता, अच्छा ऐप में से कुछ कुछ चैप्टर के सब यहाँ वहाँ गड़बड़ है, तो अगर आपको कोई डाउट रहेंगे ना तो मुझे पूछ लेंगे, बता दो भाई ये गड़बड़ है, ये दूसरे चैप्टर का यहाँ पर आके। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करो, उसके बाद ना मेरे जो भी आपको मैंने नोट्स बनाए अपने वो रिवाइज करो, उसके बाद वो मोबाइल में जो ऐप है वो भी वहाँ से समझ करो, उसके बाद आपके मॉड्यूल के अंदर लेवल वन लेवल टू जो सब है वो सब आ जाए। उसके बाद फिर आपको मैं एडवांस के, जैसे खत्म होएगा आपको और एडवांस के समझ, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। तो बोलो वाइंड अप करूं? यस सर। उसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम लोग ना आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर, सर कौन सा चैप्टर बोला आपने? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर, मोस्ट प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर, या देखता हूँ अगर कुछ चेंजेस किया है मैंने, थोड़ा देखता हूँ अगर अलग कुछ कर रहा है, देखता हूँ। ठीक है, यस सर, चलो ओके, बाय बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर।